मयंक चावला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है जिसकी वजह से घर में हर समय क्लेश की स्थिति बनी रहती है। अतः गुरु जी आपसे अनुरोध है कि सकारात्मक ऊर्जा लाने का उपाय बताएं। वैसे रात दिन तो लगे इसी में कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति जो अपराध करने से नष्ट हो गई है, कोई भी हो, धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो जब उसका फल मिलेगा वो तो अलग होगा, लेकिन वर्तमान में उसका कार्य है निगेटिव स्थिति पैदा करना पति पत्नी में, पिता पुत्र में, क्योंकि वो अधर्माचरण जीवन भर तुम्हें दंड देगा और जब परिणाम आएगा तो बहुत ही भयंकर होगा। इसीलिए जो पहले के लोग थे डरते थे कोई पाप ना हो जाए, आज अपने लोग डरते हैं मतलब पाप ना हो जाए। अपने लोग तो मनोरंजन मांगते हैं। ये जो आज का वायुमंडल नया आधुनिक बच्चों का चला है, समाज का चला है, जो व्यवहार चला है, इसमें सुख शांति और सकारात्मक सोच कैसे हो सकती है? तुम रोज होटल का खाओ फिर एक रसोई का तुम्हें एक महीना पवाया जाए, पा पाओगे? आपको मन नहीं राजी होगा ना। नए नए भोगों की चाट और सकारात्मक सोच होगी, स्वप्न में नहीं हो सकती। संभलना बहुत कठिन है, समय बहुत विचित्र है, बहुत मतलब जो घटनाएं दिन प्रतिदिन दर्शन करने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, उसका कारण है कि हमारी बुद्धि राक्षसी भाव को प्राप्त होती चली जा रही है। राक्षसी भाव किसे कहते जानते हो? स्वसुख वांछा, मैं सामने वाले से सुख ले लूं, सुखी हो जाऊं। वो छोटी बात से लेकर के बड़ी बात तक वो सब उसी में आ जाती है। जब तक ये भाव रहेगा तब तक सबसे बड़ा दंड मिलता है मन को, क्योंकि पहले मन ही संकल्प करता है ना। बहुत लोग विक्षिप्त और डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि मन को छूट दे दी ना, जो मन आवे सो सोचो, जो मन आवे सो करो। अब आगो वही मन, हमने देखा है वो डिप्रेशन के अधिक से अधिक दवा अधिक। अब हम भी अंदर से क्या यार क्या इसको किया जा सकता है, कैसे संभाला है? क्यों बन गया पाप। अब वो मन में ही सवार होकर रात दिन तुम्हें रौंद रहा है। बाहर से डंडा थोड़ी चलता है, कर्मों का डंडा तो पहले अंदर चलता है। अब आचरणों की पवित्रता नहीं तो सकारात्मक सोच कहां से आवे? आस्तिकता की नींव ही हिल गई तो सकारात्मक सोच किसमें बने? आप देखो, इसमें देखा है छाती के अंदर अगर इतनी भी त्रुटि है ना शास्त्र विरुद्ध तो भय और घबराहट पैदा हो गई। लाख समझा रहे हैं उसको कि नहीं इतना तो चलेगा, नो नहीं, क्योंकि मान लो पवित्र मन है ना, वो इतनी भी बात में भय और घबराहट पैदा कर। तब लगता है ये लोग कैसे जीते हैं जो पूरी खुली छूट है मन को और ये मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुरा सकते हो? आंख में इतना जरा सा तिनका गिरे तो कष्ट देता है ना, और वही तिनका पीठ में गिरे तो कष्ट नहीं देता। तो ऐसी जो पापाचरण रथ हैं उनकी बुद्धि पीठ जैसी हो जाती है, और धर्म से चलने लगो तो आंख जैसी, जरा सा अपराध तो ऐसा लगेगा मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नो नारामी। सूरदास जी इतने बड़े महापुरुष लिख रहे हैं। भैया आज हमारी आस्तिकता की नींव हट गई, हिल गई। भोजन कैसा पाया जा रहा है और आचरण कैसे? जैसे अपने बच्चों को देखे ना गलत तो पिता माता को गुस्सा नहीं लगती, ऐसे अपने समाज के आचरण देख कर गुस्सा लगती। पर मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं केवल सोच सकता हूं और वाणी के द्वारा आपको बता सकता हूं, पर आप चलोगे तभी सुख शांति को प्राप्त होगे। क्या व्यभिचार करने वाला कभी सकारात्मक सोच का हो सकता है? जितने बड़े बड़े नृशंस हत्याएं सुन रहे हो वो केवल सुसुख वांछा का भूत चढ़ा हुआ है, और ऐसे ऐसी हत्याएं ऐसे ऐसे पापाचरण करते हैं। सकारात्मक सोच आएगी। जो अपने पति में भगवान नहीं देखती है वो सकारात्मक सोच घर में पैदा कर लेगी। जो पति अपनी पत्नी को शरणागत समझकर प्रिय मित्र के समान आदर नहीं करता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रयत्न से उस घर में सकारात्मक सोच रहेगी। जो पुत्र अपने माता पिता को भगवत स्वरूप नहीं समझता वहां सकारात्मक सोच होगी। रसोई में मांस बने पी के शराब आओ करो व्यभिचार, सकारात्मक सोच कहां से आएगी? सकारात्मक सोच पवित्रता और पुण्य में प्रकट होती है, नकारात्मक सोच अपवित्रता और पाप में प्रकट होती है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा। जो गिरा हुआ है उसको गिरने का भय नहीं रहता, जो चल रहा है उसको गिरने का भय होता है। तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है। जो अभी आपके अंदर ये प्रश्न है कि सकारात्मक सोच कैसे आवे, नहीं तो ये प्रश्न ही खत्म है, ये प्रश्न ही खत्म है। रुपया कैसे आवे और आज किससे कैसे सुख भोग लूं, बस इतनी मानसिकता रह गई है। छल से, कपट से, मित्रता का नाटक करके या जबरदस्ती, जैसे बस दो ही लक्ष्य हैं। जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन का परिणाम क्या होगा, मैं यहाँ किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रश्न तो पवित्र हृदय में उत्पन्न होते हैं। कहीं ना कहीं आपके कोने में पवित्रता है जो आपको अभी प्रेरित कर रही है। तो एक काम शुरू कर दो, नाम जप करना। जिस जगह में नाम उच्चारण किया जाता है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वो वायुमंडल पवित्र होने लगता है। अगर घर में आप 10 मिनट कीर्तन शुरू कर दो, राधा राधा, बहुत से भगवान नाम आचार्यों द्वारा दिए गए, जो नाम प्रिय हो, सब नाम समान है। 10 मिनट कीर्तन शुरू कर दो और उठते बैठते चलते फिरते नाम जब शुरू कर दो और उसका फल ये मांगो कि हमारा परिवार सात्विक भाव से युक्त हो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनका मंगल हो, शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आहार गलत, व्यवहार गलत, देखना गलत, सुनना गलत, करना गलत, यही हो रहा। आप देख लीजिए, कोई बिरला है जो देखने, सुनने और करने में बुद्धि लगा रहा है। ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना। खुली छूट है। माता पिता से कहते हैं, बस ठीक है, आपने पालन कर दिया तो क्या एहसान किया, अब मैं स्वतंत्र हूं, जिसको चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, वैसे व्यवहार करूंगा। भला ये बुद्धि, इसमें सकारात्मक भाव आएगा, भला ये सुखी हो पाएंगे। आगे चल के देखना, बस यही मन में आएगा कि कैसे शरीर को छोड़ दूं, क्योंकि बुद्धि ऐसी हो गई, तुमने अपराध किए। बहुत बहुत गलत स्थितियां आ रही हैं। 14-15 वर्ष का बच्चा है और वीरपात रूपी ऐसे दोष से ग्रसित हो गया है। क्यों? क्योंकि गंदी आदतें ऐसे, हस्तमैथुन ऐसी ऐसी ऐसी, क्या वो नस नाड़ियां व्यर्थ हो गए और जरा सा में अब क्या जीवन उसका खड़े होने में चक्कर आता है, क्योंकि जीवनी शक्ति वीर ही तो है। अब उसके सकारात्मक सोच आएगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। इसलिए भाई प्रार्थना है, नाम कीर्तन अपने घर में करो, जितना हो सके पवित्र आहार करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदी बातें मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो ये जीवन भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुख में रहेगा। नहीं तो आप करके देख लो, ना मानो तो करके देख लो, फिर मन पछताई है, अवसर बीते, अभी अवसर सुधर सकते हो, आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी सुधर नहीं पाओगे। हृदय जलता है, कोई निर्णय नहीं निकल पाता, फिर वो क्या कर, फिर साथी मिलेंगे आपको, जानते हो कैसे, वो दवा बताएंगे आप, अब रिलैक्स से मन गया रिलैक्स, अब ऐसे गंदे गंदे आचरणों में बढ़ावा देने वाले आज मित्र मिलेंगे, आज बैठाल कर सत आचरण में चलाकर तुम्हें परमानंद प्रदान करने वाले नहीं मिलेंगे, वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। जब द्रवे दीन दयालु राघो, तो साधु संगत, भगवान की कृपा है जो आप आकर बात कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए, घर में कुछ मिनट स्वयं कीर्तन, किसी को मत कहिए, जोर जोर बोलोगे रामकृष्ण हरि तो सुनाई तो देगा ना, तो जो कथन का फल होता है वही श्रवण का फल होता है। वो अंदर से नाम जप कीजिए, नाम ही एक सर्व सामर्थ्यशाली है जो आपको हर संकट से बचा सकता है, वायुमंडल को पावन कर देगा। का घुसुंड जी जहां बैठकर भगवत चर्चा और कीर्तन करते थे, उस क्षेत्र में प्रवेश होते ही गरुड़ जी के सारी जलन मिट गई, सारे संशय मिट गए। इसलिए हमारे पास तो यही औषधि है। और फिर कोई जंतुर अंतुर बना दे तो बात अलग है, अपने पास तो जंतुर बना है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, अपने पास तो यही है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो, दसो दिशाएं तुम्हारे लिए मंगल। सकारात्मक सोच की क्या, आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर नाम जप करो, जैसे बने वैसे नाम, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, कैसे भी करो।